नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सीपीटेड। आज हम नॉमिनी ऐड करने वाले हैं जीरोधा में, जीरोधा काइट में। सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 30 दिसंबर लास्ट डे है, तो हम पहले कंसोल में जाएंगे। जीरोधा में कंसोल में फैमिली टच किया, कुछ भी आप टच कर सकते हो आप कंसोल ओपन करने के लिए। तो कंसोल मैंने फैमिली टच किया और वहाँ पर ये कंसोल हमारा ओपन हो रहा है। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा अभी। उसके बाद में आप देखेंगे ऊपर तीन डॉट होते हैं, उसको टच करने के बाद में, ठीक है, यहाँ पे फैमिली आया है। फैमिली में ये एरो मार्क दिख रहा है, एरो को हम टच करेंगे। ठीक है, ये फैमिली एरो को टच किया तो सेकंड ऑप्शन नॉमिनी दिखा आपको। ठीक है, नॉमिनी में यहाँ ऐड नॉमिनी करेंगे, नीचे जाएंगे तो ऐड नॉमिनी करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पे ऐड नॉमिनी किया तो यहाँ पे नॉमिनी वन, आप मैक्सिमम तीन नॉमिनी ऐड कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पे नॉमिनी वन में मैंने दिखा रहा हूँ आपको कि ये सारे ऑप्शन आते हैं, नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारे आएंगे ऑप्शन। तो ये यहाँ पर मैं अपने नॉमिनी का नाम और फिर सेकेंड में सरनेम और फिर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये सारे मैं फिल करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये मैं फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, उसके बाद में एड्रेस। एड्रेस का नाम अगर लंबा रहेगा तो ये दोस्तों नहीं लेगा, ठीक है, तो ये लेता नहीं है, इसकी ये दिक्कत है। तो यहाँ पर शॉर्ट में जितना हो सके तो उतना अच्छा रहेगा नाम डालने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी हो सकता है स्टार्ट हो जावे, हो जाना चाहिए। हाँ, ये देख लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन आ गया, आई कंफर्म एंड आई एग्री, ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, कंफर्म करने के बाद में प्रोसीड करेंगे आगे। तो ये देखिए डीजीओ की थर्ड पार्टी है ये, तो ये प्रोसीड करती है, ये मेरे को लेके गया ई प्रोटीन के साइड पर, या आयर बाय ऑथोराइज प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आप देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आधार नंबर आएगा, आधार नंबर का ऑप्शन आएगा वहाँ पे। अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आधार नंबर से तो ये इजीली हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आधार नंबर डाल दिया और सेंड ओटीपी, अब मेरे ओटीपी आ जाएंगे। ठीक है, ओटीपी आने के बाद में यहाँ पे आपका नॉमिनी ऐड हो जाएगा दोस्तों, और जीरोधा से आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। ठीक है, अब नॉमिनी ऐड होने के बाद में ये रिक्वेस्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, कैटेगरी, स्टेटस, लेटेस्ट अपडेट, आप उसमें देख सकते हैं नॉमिनी जो भी ऐड किया जाओगे तो वो ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और थोड़े भी काम की लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।